लिए ड्रग्स एंड केमिस्ट एक्ट और नियमों के उल्लंघन के लिए ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर सख्त निगरानी रखना जरूरी है। भंडारा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन पौनी तहसील के अध्यक्ष सतीश लेपसे के नेतृत्व में संस्था की सदस्यों ने तहसीलदार को निवेदन देकर ऑनलाइन दवा की बिक्री करने वालों के खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। इस अवसर पर तहसील के सभी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उपस्थित थे। तो आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निशान लांजेवार की खास खबर एमएनएस न्यूज लाइव के लिए। सब मुझे बताइए कि ये सरकार ने जो ऑनलाइन दवाइयाँ बेचने का जो जाल निकाला हुआ है, सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द आप अच्छी से अच्छी दवा मरीज को मिले, लेकिन विक्रेताओं के हिसाब से क्या इसमें दिक्कतें हैं और आपकी मांग क्या है? एक्चुअली ऑनलाइन दवा का ऐसा है कि वो उसमें कोई बीच में कोई रहती नहीं है, सीधा वो ग्राहक को पहुंच जाती है और उसका मिसयूज हो रहा है ऊपर से। और जो दवा नहीं बिकनी चाहिए ऑनलाइन, वो भी दवा ऑनलाइन बिक रही है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जैसे भी नीम की गोलियां है, जैसे एमटीबी पिल्स है, गर्भपात की गोलियां, ये भी ऑनलाइन मिल रही है, इसके ऊपर अपना प्रतिबंध होना चाहिए। और ये गवर्नमेंट बोलती है कि ये फार्मासिस्ट के निगरानी में दवा बेचनी चाहिए, लेकिन ऑनलाइन में तो फार्मासिस्ट रहता ही नहीं है, इसकी वजह से वो बंद होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि ऑनलाइन को प्रतिबंधित किया गया है, तो उसकी जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे उसकी अमलबाजी में होनी चाहिए। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना।